बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, सब खैरियत है जी। मैं बिलाल आशिक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नर्सी उमान। जो दोस्त लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाली हर अच्छी सी वीडियो मिल सके जी। आप इंशाल्लाह आज हम आए मस्कत की तरफ। अभी तकरीबन हम गल्ला के करीब मौजूद हैं, थोड़ा सीमेंट लोड करेंगे, थोड़ा सा काम है इंशाल्लाह, उधर जाएंगे, उधर से फिर इंशाल्लाह वापसी जाएंगे घर की तरफ, इब्रा में जाएंगे, जो जो जगह पे इंशाल्लाह जाएंगे आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो हम पहुंच चुके हैं जी, ये सामने खड़े हैं जी सिग्नल पे, हम इधर से जाएंगे सीधा गल्ला का। ये बोर्ड लगा हुआ है तरीक सर गई, हम जाएंगे सीधा जी। व्यूअर अभी हम आ रहे हैं जी गल्ला की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी फिर ये हम सिग्नल पे आ गए हैं, दूसरा सिग्नल पे। अभी सिग्नल जो है वो फिर बंद है, सिग्नल बंद है जी। अभी इधर वेट करेंगे, सिग्नल ओपन होने का इंतज़ार करेंगे। ये ऊपर ब्रिज है, ये जाता है जो पुराना रोड है ना मथुरा मस्कत की तरफ, उधर जाता है। ये सामने लिखा हुआ है जी तारीख मस्कत सरी, ये जो एक्सप्रेस रोड है उधर रोड जाता है। अभी हम इधर वेट कर रहे हैं, आशा से अभी सुबह जो टाइम है ना वो 8 बजे का, हम घर से निकले थे 6:45, सवा 2 घंटे लग गए हमको आने में। अभी इशारा खुल गया, अभी जाएंगे जी। व्यूअर जी अभी हम पहुंच गए जी, ये शीशा पे लगा हुआ है जी एटीएम, एटीएम पे जाएंगे तो निकालेंगे कैश, क्योंकि सीमेंट खरीदेंगे ना, सीमेंट खरीदने के लिए पैसे चाहिए कैश, क्योंकि उधर मकीना नहीं है, इसलिए हम इधर मकीना से मस्कत से निकालेंगे पैसे और फिर हम जो है जाएंगे सीमेंट की तरफ। और जो दोस्त लोग थोड़ा सा मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है, तो ज़ुकाम लगा हुआ है, तो थोड़ा सूंड आता है, उसके लिए माजरत, थोड़ा आपको मेरे को जो है ना वो झलना पड़ेगा, क्योंकि जो तबीयत है वो नहीं सेट हो रही, वो दवाई डॉक्टर से खा ली है लेकिन फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए अभी जो दवाई है ना वो छोड़ दी। आपको पता है इधर की दवाई बहुत सख्त है और गर्म भी बहुत है, इसलिए दवाई जो है अभी। व्यूअर्स जी फाइनली जी हम आ चुके हैं एटीएम पे, अभी एटीएम से जी हम निकालेंगे पैसे सीमेंट के लिए, और इधर हम डालेंगे जी कार्ड, जो कार्ड डाल दिया इधर से हम लगाएंगे इंग्लिश, चलो ये चल नहीं रहा, और चल जाओ फैलनी जी गाई जो है ना मकीना गया जी। चल अभी डालेंगे रकम जो है हमारा सर गई, रकम सरिया डाल दिया। अभी वो बोलते हैं जी कितने पैसे चाहिए, हमको पैसे चाहिए जी, हम लगाएंगे इधर, हमको चाहिए जी 60 रियाल। क्या हो गया जी व्यूवर्स, वो बहुत मुशक्कल बहुत मेहनत से मकीना जो नहीं था चल रहा उसको चला चलू के उससे जी हमने पैसे जो है ना वो निकाल लिए हैं, ये हमने पैसे निकाल लिए हैं जी। अभी हम जाएंगे जी सीमेंट की तरफ, उधर से जाके लेंगे सीमेंट, और फिर इंशाल्लाह देखेंगे आगे का क्या लायामल है। अभी इधर से चेंज भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उधर से चेंज नहीं मिलेगा, उधर से चेंज नहीं मिलेगा, इधर से 5 रियाल का जो है ना छुट्टा लेना पड़ेगा, ताकि उधर जो है ना अभी देखते हैं कि पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं, हमारे को चेंज देते हैं नहीं देते, देखते हैं इंशाल्लाह क्या हिसाब है क्या काम। और मैं जी 5 रियाल का छुट्टा चाहिए, मिल जाएंगे भैया की मेहरबानी, दे दे भाई जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। ये जी हमारे इंडिया के भाई हैं, इन्होंने हमको दिया जी चेंज,
अभी हम लेंगे चेंज, लेके जाएंगे गाड़ी में। मेहरबानी है, क्योंकि इंडिया के लोग जो है ना वो इधर ज़रा पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, लेकिन कई के लोग ऐसे हैं भाई वो नहीं चेंज देते, वो गुस्से में रहते हैं। और ये दोस्त भाई ने हमारी हेल्प की है, इसकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, इन लोगों ने हमारी हेल्प की है भाई, नहीं तो चेंज नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल बननी थी, हमारे टेंशन बन जानी थी। ये व्यूअर फैमिली जी, हमने सिमट जो है ना वो लोड कर लिया, अभी लोड करके अभी हम जा रहे हैं जी अपने बरका की तरफ जाएंगे, उधर से जाके थोड़ा टाइल लोड करेंगे। ये देखें जी, ये पुल है, ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से इस साइड पे देखें नज़ारा, इस साइड पे देखें। अभी हम जाएंगे सीधा बरका में, बरका में जाके उधर से टाइल लोड करेंगे, टाइल लोड करके फिर हम जाएंगे वापस इब्रा की तरफ, देखते हैं इब्रा में उतारेंगे सामान, वापस जाएंगे घर की तरफ इंशाल्लाह। आज हमारा इंशाल्लाह सारा दिन जो है ना वो ऐसे ही गुजर जाएगा, वीडियो वीडियो बनाने में, सामान वाम लोड करने में इंशाल्लाह। जी व्यूअर फैमिली जी, हम अभी बरका की तरफ आ चुके हैं, अभी रमेश में पहुँचे हैं, अभी जाएंगे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे जाएंगे, उधर से फिर जाएंगे दूसरी साइड पे, उस साइड पे उधर हमारा जो लोकेशन है उधर से जाके सामान उठाएंगे और फिर वापसी होगी। अभी बस कल्ला से निकलने के टाइम थोड़ी वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि एक दो फोन थे उनके साथ थोड़ा सा जो कॉन्टैक्ट करना था पाकिस्तान में, उधर थोड़े मसरूफ़ हो गए थे, इसलिए वीडियो नहीं बना सके। अभी मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, कौन कौन से वीडियो बनाएंगे। देखें माशाल्लाह पाकिस्तानी आम, हर गाड़ी में पाकिस्तानी आम है, ये पूरा इधर जो है ना ये रास्ते में पाकिस्तानी आम मिलेंगे आप, हर पिकअप में पाकिस्तानी आम पड़े हुए हैं, कोई यूमानी नहीं, कोई यमनी नहीं, कोई कुछ नहीं, पाकिस्तानी आम। अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के करीब, इधर से हम जाएंगे अभी यूटर लेंगे, इधर से यूटर लेके तो जाएंगे दूसरी तरफ। हमारे आगे गाड़ी जो है ना शुक्तियों की भी गाड़ी है, क्योंकि मोबाइल हम यूज़ नहीं कर सकते, उन्होंने देख लिया तो बाद में मुश्किल बनेगी, फिर हम वगैरह देंगे ज़्यादा तौर पर। हम जो है ना अभी फ़िलहाल जो है ना देखते हैं, ये देखें माशाल्लाह सीन, ये नीचे रोड है, ये नीचे रोड जा रहा है, हम ऊपर से सर्वे करके पहले जी हम ब्रिज से नीचे उतर चुके हैं, और अभी जो है जी हमारा मंजिल है जिधर से हमने टाइल लोड करनी है तभी हजर, उधर पहुंच चुके हैं। ये हमारे बिल्कुल सामने जो आ गया जी वो दुकान शॉप, अभी इधर जाएंगे, इधर के जाके इधर से जो टाइल है सैंपल वगैरह वो लोड करेंगे, फिर जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। देखते हैं जी ईरानी हजर, ईरानी हजर, ईरानी हजर। पहले जी हम ब्रिज से नीचे उतर चुके हैं, और अभी जो है जी हमारा मंजिल है जिधर से हमने टाइल लोड करनी है तभी आई हजर, उधर पहुंच चुके हैं। ये हमारे बिल्कुल सामने जो आ गया जी वो दुकान शॉप, अभी इधर जाएंगे, इधर के जाके इधर से जो टाइल है सैंपल वगैरह वो लोड करेंगे, फिर जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। देखते हैं जी ईरानी हजर, ईरानी हजर, ईरानी हजर। जी व्यूअर फैमिली जी, हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। ये जी व्यूअर फैमिली जी, सामान जो है वो लोड हो चुका है, सीमेंट भी लोड है, और हजर भी जो है हमारी ये सैंपल नए दफ्तर के लिए ये भी लोड कर ली है, और अभी इंशाल्लाह निकलेंगे। देखें इधर कितना सामान पड़ा हुआ है, ये पूरी जो ईरान की हजर सनाए हजर तबीये है पूरे, इधर जो है ये सैंपल लगे हुए हैं माशाल्लाह। देखें ये हमारा इंशाल्लाह शिरका है, और इंशाल्लाह अभी हम निकलेंगे घर की तरफ और जाएंगे घर में,
पहले जाएंगे इब्रा में, इब्रा में जाके ये हजर उतारेंगे ऑफिस में, उधर उतार के फिर मसना में जाएंगे, मसना में जाके सीमेंट उतारेंगे, सीमेंट उतार के फिर हम जाएंगे घर की तरफ। बाकी जो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जैसा होगा फिर देखें। आए नाश्ता भी नहीं किया, अभी नाश्ता भी करेंगे, क्योंकि सुबह एक दोस्त था वो हमारे साथ आया मस्कत के लिए, उसको उतारा हरसेल में। जी व्यूअर्स जी, जनाब अभी हम जो है ना आ गए हैं जी अपना सूर वाला रोड पे, अभी सूर रोड पे जा रहे हैं इब्रा की तरफ, और इंशाल्लाह जफनैन में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी ये जो है जी ये बिल्कुल सामने आप देख रहे होंगे, ये पूरा रोड जो है ना तमीर हो रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, रोड पर वह सेफ्टी पड़ी हुई है। इधर जो इस साइड पे जो ये आप देख रहे हैं मशीनें लगी हुई हैं क्रेन वाला, ये इधर बन रहा है जी ब्रिज, इधर ये आउट ब्रिज बन रहा है, और सामने बिल्कुल आ गया जी शीशा शेल, और हमारा फेवरेट फ्रूट फूड एंड केएफसी बाबा जी, बाबा जी की पिक्चर भी सामने लगी हुई है जी, बिल्कुल बाबा जी सामने हैं। ये बाबा जी को हम इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे अभी, ये बिल्कुल ये देख रहे हैं मेरे राइट तरफ जी। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जी खन्ना से पीछे, अभी आए हैं पेट्रोल पंप पे, जैसे डालेंगे पेट्रोल ज़्यादा, और इंशाल्लाह देखते हैं पेट्रोल डालते हैं, डाल के तो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। जो पेट्रोल कमती था मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल जो है ना वो ला लें, ताकि रास्ते में कहीं भी खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि नफ्तमान शीशे में हमें जो पेट्रोल है ना वो कमती पैसों में मिलता है। जी गाइस पहले जी पेट्रोल डाल गया, अभी जी हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, इंशाल्लाह रवा दवा है, अभी जाएंगे सीधा इब्रा में। रोड के ऊपर जो है ना आज माशाल्लाह बहुत है, बाहर भी बहुत है, हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है इंशाल्लाह। ये जो थोड़ा सा तकरीबन 4-5 किलोमीटर का जो रोड है ना, इन लोगों ने नया बनाया, ओपन कर दिया है। अभी जफनैन से तकरीबन फंजा में आने के लिए सिर्फ 5 से 6 मिनट चाहिए, पहले 15 मिनट लग जाते थे, अभी सिर्फ 5 से 6 मिनट चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम भी अपनी मंजिल की ओर रवा था मैं। माशाल्लाह ये जी वादिल हक, अभी इधर हम पहुंच चुके हैं, देखिए माशाल्लाह आज पहाड़ भी कैसे हैं और बादल भी कैसे हैं, कैसा नज़ारा है इधर, फैमिली जी अभी हम जी इब्रा में पहुंच चुके हैं, अपना जो अपना मकतब है नया ऑफिस है उसके करीब इंशाल्लाह अभी हम आ गए हैं जी, अभी इंशाल्लाह ये ऑफिस है, इधर हम उतारेंगे इंशाल्लाह हजर जो लेके आए मस्कत में, और बाकी बचे हैं सीमेंट, सीमेंट जो है वो उतारेंगे हम जाके जी मसना में। जी व्यूअर्स फैमिली जी अभी का जो है एक का टाइम हो चुका है, और अभी हम भी इंशाल्लाह अपनी मंजिल की ओर रवा दवा है, बस अभी पहुंच चुके हैं जी हम अल ज़ाहर का जो ब्रिज है वो क्रॉस कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीधा जाएंगे सनाइया में, सनाइया में जाके उतारेंगे सामान, और सामान उतार के सीमेंट फिर वापसी इंशाल्लाह निकलेंगे।
सर का जो ब्रिज वो हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी माशाल्लाह आज गर्मी भी बहुत है, धूप भी बहुत है, आज जो दिन है ना बहुत सख्त है, माशाल्लाह बहुत गर्मी धूप है, हवा भी। जी व्यूअर्स, ये जी अभी लोहा आ गया जी बदिया का, लेकिन बदिया में हम नहीं जाएंगे, गर्मी में जो हम घर की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधा जो है ना सनाइये की तरफ। आ गया जी ये जो है लिखा हुआ है जी अल मुंतरब गबी, अल मुंतरब गबी, इधर जाए ये है जी बदिया, हम बदिये में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधा सनाइये की तरफ। ऊपर भी जो है ना रश नहीं है आज, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी के मौसम में इतने ट्रैफिक वगैरह जो है ना खासकर दोपहर के टाइम कमती होती है जी। वो पर एक ये जो है ना ये रास्ता भी बदिया की तरफ जाता है माशाल्लाह अल वासल और इधर सनाइये तक, वो तकरीबन तीन जो रास्ते हैं ना अलवासन फिर अलजहर में भी बदिया की तरफ रास्ता जाता है, फिर बदिया का रास्ता जाता है, फिर उसके आगे एक ब्रिज है अंडरपास, उधर से भी बदिया चले गमी में चले जाते हैं, फिर ये भी है। फिर पांच जगह जो है ना बदिया को पांच रास्ते रखते हैं, और इसके आगे जो है जी ये अल वादी बिन खालद अल कामल सूर है, ठीक है। और अभी ये आ गया जी हम सनाइया में, ये इस साइड में देखे माशाल्लाह, ये देखिए खजूरे वगैरह, ये आ गया सनाइया में, इधर से हम लेंगे राइट और जाएंगे सीधा मसना में। जी व्यूअर फैमिली जी, अभी हम घर में पहुंच चुके हैं, अपना जो भी काम वाम है सुबह का वो खलास करें, समय वगैरह उतार के अभी जोर के तकरीबन दो का टाइम हो रहा है, अभी जाएंगे घर में, घर में जाके खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह असर के टाइम फिर अपना ड्यूटी शुरू करेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल एक नए व्लॉग और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। जो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें शेयर करें, ताकि आपको आने वाली हर एक से अच्छी अच्छी नई वीडियो मिल सके। माशाल्लाह गर्मी बहुत है और हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी है।